हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी चैनल। अगर आप ग्रुप डी और असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं यहाँ। इनकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन क्वेश्चनों की एग्ज़ाम में आने की। तो आइए हम शुरू करते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन है ये। सबसे पहले क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। तो देखिए ये जो बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्रेन कब चली? तो ये चली थी 15 जुलाई 2017 को। तीसरा क्वेश्चन है, मैन ऑफ ब्लड एवं ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया है? ये कहा गया है बिस्मार्क को। इसके बाद क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 10, 20, 30, 40 और 50 से भाग देने पर प्रत्येक अवस्था में 7 शेषफल बचे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10, 20, 30 और 40 और 50 का ले से निकाल लेंगे, तो जो लेस आएगा उसमें हम 7 ऐड कर देंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 707। ये बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग जिसकी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है के अंदर वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल होगा? ये हो जाएगा हमारा पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेशन पहला महिला स्वचालित रेलवे स्टेशन बना? ये इसका ऑप्शन हो जाएगा ए मठुंगा। फिर अगला क्वेश्चन है, ईसीजी का प्रयोग किस रोग के लिए किया जाता है? गुर्दे की खराबी, हृदय की कमजोरी, मस्तिष्क की बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो ईसीजी का प्रयोग जो किया जाता है वो हृदय की कमजोरी के लिए किया जाता है। इसके बाद मछलियों में श्वसन क्रिया किसके द्वारा होती है? फेफड़ों, फेफड़ों, गिल्स, साल्क, नासिका छिद्र। ये होती है गिल्स द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये एग्जाम में आ सकता है। तो इसका हो जाएगा ल्यूस पर्शर। बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब हमारा घट जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में वाष्पो उत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? तो ये होती है पूरे पूरा पौधा जो होता है उसमें होती है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्निया। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 46, 46, और अगर जोड़े पूछे तो 23 जोड़े होती है, 23 जोड़े। ईसीजी का प्रयोग किस रोग के लिए के इलाज के लिए किया जाता है? यह किया जाता है हृदय की कमजोरी के इलाज के लिए। हमारे द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग लगभग होती है, ये होती है 4%। इसका आंसर हो जाएगा ए, 4% होती है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, यह है पुष्प। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका, पुष्प। कैटरेड रोग किससे संबंधित है? यह है आँख से, ये आँख से संबंधित है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल होती है, ये होती है 332 मीटर प्रति सेकेंड। और अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना उदाहरण है, ये ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? ये ऑक्सीकरण का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। सोने का लैटिन नाम है ओरम, ओ रम।
ओरम। न्यूटन, न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों की संख्या के योग को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये होते हैं बराबर द्रव्यमान संख्या। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये की थी लुईस पाश्चर ने। इसका अगला क्वेश्चन है डायनोमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। ये यहाँ गलत मिसप्रिंट है, इसमें है यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, इसका हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा का, ये यौगिक ऊर्जा नहीं होगा, ये होगा यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में डायनोमो जो बदलता है। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, तो ये जड़त्व का नियम कहलाता है, ये प्रथम नियम होता, न्यूटन की गति का प्रथम नियम, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, आकाश का रंग किस कारण से नीला दिखाई देता है? ये दिखाई देता है प्रकीर्णन से। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए हमें वीडियो कैसी लगी आपको। थैंक यू, धन्यवाद।